बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया हारून कहते क्या जो लोग बड़ी उम्र को पहुंच गए हैं और उन्होंने तजवीज़ के साथ तजवीज के साथ कुरान पढ़ना नहीं सीखा और अब सीखना मुश्किल हो तो क्या यह बेहतर है कि कुरान ना पढ़ें बजाय इसके कि वो गलत पढ़ें नहीं बिल्कुल नहीं वो बड़ी उम्र में पहुँच गए वो बिल्कुल सीखें और पढ़ें भी भले वो उनके अल्फाज नहीं निकल रहे गलत पढ़ रहे हैं अल्लाह तबारक मताल वो गलत नहीं है क्योंकि वो जो गलती उनकी ज़बान से हो रही है वो उनकी ज़बान मोटी हो गई है उम्र का तकाजा है दिमाग की कमज़ोरी है वो सही लफ्ज़ निकल नहीं जाते लेकिन इरादा वो सही लफ्ज़ का कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक मताल नीयत तो इरादे पर फ़ैसला होगा लिहाजा जो उनको कुर से रुकना नहीं है वो तलावत अपनी जो है जैसी टूटी फूटी करते रहें वो ये ना सोचें कि यार हम पढ़ नहीं पा रहे हैं बल्कि गलत नहीं कर रहा है लिहाजा पढ़ती ही नहीं नहीं वो गलत आपकी इस मुँह से नहीं कर रहा आपकी इस ऊजर की वजह से लेकिन अल्लाह तबारक व वताल जो है वो आपकी अंदर की नीयत और चाहत को समझ रहे हैं उस बुनियाद पर उस गलत को सही नोट करते हैं और सही का सवाब आपको अता किया जाता है लिहाजा आप जो है वो पढ़ना ना रोकें और बड़ी उम्रों में कुर करीम सीखना और जो उस अमल करना और उसको जो है वो पढ़ना ये तो सहाबा की सुन्नत है और कितने ओलिया काम ने जिन्होंने बड़ी उम्र के अंदर जो है वो पढ़ा हबीब आजमी आज कश कशोले मार्फत में जिनका मैंने किस्सा जिक्र किया हबीब आजमी को अजमी कहते इसलिए थे कि वो कर्न करीम बड़ी उम्र में जब सीखा तो सही तलफ़ नहीं निकलता था अल्फाज सही नहीं मखारी सही नहीं निकलते थे हमदू हा के बजाय हा छोटा हा निकलता था अहमदु तो ऐसी कैफियत होती थी लेकिन अल्लाह को इतना महबूब था कि अगर उनके पीछे कोई जमात में नमाज़ पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व ताल उसकी बख्शिश कर दे ये मुक़ाम अल्लाह ने उनको अता कर रखा था इसलिए जो है उनको बीवी भी अजमी भी कहते इसलिए थे कि वो उनसे कुरान से ही तल्फ से पढ़ा नहीं जाता था क्योंकि बड़ी उम्र में सीखा था नाम ही अजमी बन गया हालांकि अरबी थे तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व ताल वो बिल्कुल शर्फ कबूल पाता है लिहाजा वो पढ़ने से ना रुकें हाँ सीखते भी रहें पढ़ते भी रहें अल्लाह ताला इन शह नवाज़ देंगे